और आइए अब सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं। दीपक से ही जानते हैं, दीपक महज 10 मिनट के आसपास का वक्त रह गया है 11 बजने में जब ये बैठक शुरू होने है, ऐसे में अभी तक कितने विधायक आम आदमी पार्टी के पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल के घर? रोमाना, अब तक का अपडेट मैं आपको दे दूं तो 25 विधायक अब तक आम आदमी पार्टी के पहुंच चुके हैं केजरीवाल आवास पर। ये सामने सीएम आवास है और यहां पर ही विधायकों की एक के बाद एक एंट्री हो रही है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अब तक जो हमने गिने हैं 25 विधायक पहुंच चुके हैं। 62 विधायक आम आदमी पार्टी के, उसमें से 25 पहुंच गए हैं। और जिस तरीके का दावा दिलीप पांडे कर रहे थे कुछ देर पहले, आतिशी भी मीडिया के सामने आई, उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सारे विधायक आएंगे। और जब उनसे पूछा गया बार बार कि ये खबर आ रही है कि कुछ विधायक ऐसे हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है आपका, तो क्यों नहीं हो पा रहा है, उस पर उन्होंने ज्यादा कुछ कहा नहीं, लेकिन इतना जरूर कहा है कि उम्मीद है कि सारे आएंगे, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको सीएम आवास की दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी बैठक है, 11 बजे ये बैठक शुरू होनी है, थोड़ी देर बाद बैठक शुरू हो जाएगी। 25 विधायक आ चुके हैं, विधायकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और कोशिश ये है इस बैठक के जरिए रोमाना, जैसे मैंने पहले भी जानकारी दी थी, कि ये काउंट किया जाए कि क्या 62 के 62 विधायक इंटैक्ट हैं पार्टी के साथ, क्या किन किन को किस तरीके का ऑफर दिया गया है, ये विधायक अरविंद केजरीवाल के सामने रखेंगे। जो 4 विधायक कल ये कह रहे थे कि 20 करोड़ का ऑफर आया है, आज दिलीप पांडे कहते हैं कि 40 विधायक हैं, 40 ऐसे विधायक हैं जिनको 20-20 करोड़ का ऑफर आया है, यानी कि 800 करोड़ देने की बात तक चल रही है। तो आप 4 से 40 हो गए हैं, ये 40 कौन हैं इसकी भी जानकारी इस मीटिंग के बाद निकल कर आएगी, लेकिन फिलहाल निगाहें इस बात को लेकर है कि 62 में से जो अभी 25 विधायक आए हैं तो उसमें कितनी और गिनती बढ़ती है, क्या 62 के 62 ये सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है कि 62 में से कितने विधायक इस बैठक में पहुंचेंगे, क्योंकि जो बयान भी आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायकों के, उन पर गौर करने की भी मुझे लगता है जरूरत है। आप इस पर जरा विस्तार से जानकारी भी दर्शकों को दीजिएगा कि सीधे साफ तौर पर यह नहीं कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी के विधायकों की तरफ से कि सब विधायक आ रहे हैं, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? आतिशी सामने आती है, वो कहती है मुझे उम्मीद है सब विधायक आएंगे। दिलीप पांडे सामने आते हैं, वो कहते हैं हमें विश्वास है हमारे सब विधायकों से संपर्क हो पाएगा। जरा पहले दर्शकों को आतिशी की बात सुनवा देते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी इसी सवाल के साथ। दीपक सुनाइए जरा आतिशी की बात। देखिए, कई विधायक कल सामने आए हैं जिन्होंने ये बात रखी कि उनको 20-20 करोड़ के ऑफर दिए गए, उनको एक्स्ट्रा ऑफर भी दिया गया कि अगर वो अपने साथ और विधायकों को तोड़ के लेके आते हैं तो हम भी ये जानना चाहते हैं कि क्या और विधायकों से संपर्क हुआ है, क्या उनको कुछ धमकियां दी गई हैं, क्या उनको कुछ ऑफर दिए गए हैं। इसलिए आज विधायक देखिए कुछ विधायक हैं जिनसे बात नहीं हो पा रही थी, पर हमें पूरा भरोसा है कि अभी सारे विधायक आज की बैठक में जरूर पहुंचाएंगे। और आइए एक बार फिर से बात को लेकर चलते हैं, दीपक रावत हमारे सहयोगी पल पल का अपडेट हम तक दे रहे हैं। दीपक, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है संख्या बढ़ रही है आम आदमी पार्टी के विधायकों की, इस बीच कोई और विधायक जिसको आपने देखा अंदर जाते हुए? जी, लगातार संख्या बढ़ रही है, अभी आतिशी आई थी थोड़ी देर पहले और सईराम पहलवान भी दिख रहे हैं, कुलदीप कुमार थोड़ी देर पहले आए थे, विशेष रवि भी आए हैं, तो तमाम विधायक जो हैं वो पहुंचने का सिलसिला जो है लगातार जारी है रोमाना। लेकिन जिस तरीके से आतिशी कह रही है, आतिशी की जो बाइट हमने सुनी है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कई सारे विधायक ऐसे थे जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि वो कौन विधायक हैं, क्या वो विधायक वाकई हमसे दूरी बनाए हुए हैं या फिर आज वो पार्टी की इस मीटिंग में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है उसमें शामिल होते हैं कि नहीं होते। लेकिन माना, एक जानकारी मैं आपको और दे दूं, कल विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया है एक दिन का, और इस विशेष सत्र के जरिए भी यह जानने की कोशिश जरूर करेगी पार्टी कि उसमें आम आदमी पार्टी के विधायक उनकी तरफ से खड़े नजर आते कि नहीं आते हैं। तो कल भी दिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले यहां पर जो है विधायकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, काउंटिंग बढ़ती जा रही है, ये पूर्व विधायक फिलहाल नजर आ रहे हैं जितेन तोमर, तो इस तरीके से लगातार जो विधायकों के आने का सिलसिला है सीएम आवास पर वहां पर जारी है। और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि अब तक 62 विधायकों की गिनती नहीं पूरी हो पाई है, 26 से 27 विधायक जरूर पहुंच गए हैं। बिल्कुल, काउंटिंग आप लगातार दर्शकों को बताते रहिए, अपडेट लगातार आप करते रहिए संख्या को लेकर। 27 विधायक अभी तक आम आदमी पार्टी के पहुंच चुके हैं सीएम आवास। आम आदमी पार्टी के दिल्ली में कुल 62 विधायक। देखना दिलचस्प होगा कि कितने विधायक यहां पर इस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंचते हैं। कुल मिलाकर दीपक रावत, ये कहा जा सकता है कि आज आम आदमी पार्टी की ये बैठक और कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार का भविष्य क्या है वो इस बैठक से साफ होगा काफी हद तक।
जरूर साफ होना चाहिए, क्योंकि लगातार जब से सीबीआई की रेड मनीष सिसोदिया के घर पर पड़ी है तभी से ये बात आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं। सबसे पहले मनीष सिसोदिया ने खुद ये बात कही रोमाना कि मुझे कॉल आता है उसमें ये कहा जाता है कि आप अपने साथ कई सारे विधायकों को तोड़कर लाइए, क्योंकि आप पार्टी में नंबर दो नेता हैं, बड़े नेता हैं, और आपके साथ जरूर कुछ न कुछ विधायक जरूर आएंगे। तो अगर आप आते हैं तो आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, बीजेपी में चेहरा बना देंगे, क्योंकि बीजेपी में चेहरा नहीं है दिल्ली में। तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की बात जब ये बात जानकारी मिलती है तो उसके बाद एक के बाद एक, आम आदमी पार्टी का दावा है कि उसके बाद एक के बाद एक कई सारे विधायक यहां सीएम आवास पहुंचते हैं, यहां फोन करके जानकारी देते हैं कि उनको लगातार कॉल्स आ रही हैं, लगातार ही उनसे कहा जा रहा है कि वो अपने साथ कुछ और विधायकों को लाएं। अगर खुद आते हैं तो 20 करोड़, अपने साथ किसी और विधायक को लाते हैं तो 25 करोड़। तो इस तरीके का दावा यह किया गया। और आज जो संख्या बताई गई रोमाना, 40 विधायक संपर्क में बताया जा रहा है, 40 विधायकों को कॉल किया गया बीजेपी की। बिल्कुल, बड़ा दावा जो आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है कि उसके 40 विधायकों से बीजेपी ने संपर्क साधा है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।